राजा साहब का गोदाम जल रहा है। अरे गोदाम ही नहीं, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल के राख हो रहा है। सुबाना सुबाना गजब हो गया, तुम तमाम हो गए। राजा साहब गोदाम में है पर अंदर से दादा साहब बंद है। अभी तक फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया? आ जाएगा जब सब कुछ जल जाएगा। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। मामू, मामू दरवाजा खोलिए, मामू, मामू, मामू दरवाजा खोलिए, मामू, मामू आग चारों तरफ फैल रही है, मामू, मामू दरवाजा खोलिए, मामू। सुना है बूढ़े ने खुद पेट्रोल छिड़कर आग लगाई है? क्या कह रहे हो? सच कह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं अपने आप से नफरत करने लगा था। जल गया मामू, आ गया अपने जीजा का साला। कहां से टपक पड़ा इस वक्त? शायद इसी की आ लग गई लाला को। आई क्या गो? देखा देखा, जुल्म का घर भर गया और टूट गया। शिकारी खुद शिकार हो गया। देखा देखा, शिकारी खुद शिकार हो गया। शिकारी खुद शिकार हो गया। तेरे मायके के आखिरी निशाने को बचा ले मेरे मौला। बदले में मेरी जान ले ले, रहम कर मेरे मौला। मेरे मामू को बचा ले, मेरे मामू को, मेरे पाप परवरदिगार। आग बुझ भी गई होगी अब, और बुझ भी गई होगी तो क्या, सब कुछ तो जल के राख हो गया। खुदा करे ख्वाजा साहब की जान बच जाए। बड़े एहसान है उसके हम पर। तो मेरे मामू की जान तो बच जाएगी ना? आप घबराएंगे नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बचने की कोई उम्मीद है? अभी तक होश नहीं है लेकिन उम्मीद है। कब तक होश आएगा उन्हें? डॉक्टर साहब मैं अपने मामू को देखना चाहती हूँ। आप में से अभी कोई उधर नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब कब तक होश में आएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, 24 घंटे के अंदर इन्हें होश आ गया तो आ गया, नहीं तो इन्हें होश आने में कई महीने बल्कि कई साल भी लग सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि जान बच जाएगी। लाला, लाला,
रामनाथ जी। कैसे हो? ठीक हूँ जी। गाड़ी में से सामान निकलवाओ। वो बशीरा साहब है जी। अच्छा, वो बुआई के लिए बीज कम पड़ गए हैं जी, थोड़े से बीज और मिल जाते तो बुआई का काम पूरा हो जाता। बताइए, मैंने पीस कर रख लिया जी। ठीक, आपकी बीज कैसी है ना जी? ठीक। शहर की कोई खबर? ठीक है, सब ठीक है। अंदर जाकर खबर कर दो, मैं आ गया हूँ जी। अच्छा, वक्त आ गया, कैसे कैसे कानून बनने लगे, जरिए इस्लाहात खात्मा चकदारी, आजादी के लिए जैसे हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, जो किया सो किसानों ने किया, कानून किसानों के लिए और बर्बादी बर्बादी हम जमींदारों के लिए, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ना ये खाते रहने के ना चकदारी, जमीन जमींदारों की नहीं काश्तकारों की हो जाएगी, सब बदल जाएगा, सब कुछ। दास जी, वो अंदर पूछ रहे थे खाने के लिए कुछ भेज दें। नहीं, भूख नहीं है जी। अच्छा, तुम बैठो, तुमसे बात करनी है। जी मैडम। तुम घड़ी जमने को लाला, कुछ किस्मत हो। मैं कुछ किस्मत? क्या कह रही हैं आप? मजाक कर रही हैं आप मुझसे? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम जानते हो शहर में लाला किसको कहते हैं? अब मैं क्या जानूं? शहर में लाला बड़े साहूकार को कहते हैं, और अब तुम भी साहूकार बन जाओगे, थोड़े दिनों की बात है। जी आज कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और साहूकार, यह तो अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पाती है, और आप कहते हैं कि मैं साहूकार बनूंगा? ये कैसे हो सकता है नाथ जी? हमारी जमीन खरीद कर। जी, जमीन खरीद कर? हाँ हाँ, वही जमीन जो तुम काश्त करते हो। अब ये जमीन तुम खरीद ही लो, वरना मैं किसी और को बेच दूंगा। क्या कह रहे हैं महाराज नाथ जी? मैं खरीद अपनी आपकी जमीन कैसे खरीद सकता हूँ? और अगर आप किसी और को बेच दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा ना जी। देख बेलाला, किसी तरीके से भी कुल पूंजी इकट्ठी करो, बीवी के गहने बेच दो, इधर उधर से उधार ले लो, बाकी रकम आस्ता आस्ता बाद में दे देना, मैं सारी जमीन सस्ते में दे दूंगा। मौका गनीमत है असली लाला बनने का, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है नाथ जी, मैं घर जाकर अपनी बीवी से बात करूंगा। बात करके कल सुबह तक मुझे जवाब दे देना। अब जाओ। छोड़, सूट कहीं काटेगी तू,
बस बैठे बैठे राज करेंगे। क्यों, तुम्हारे बाप दादा ने कहीं खजाना गाद रखा है क्या? शायद तुम्हारे हाथ आने वाला है। ऐसा ही समझ लो, जानती हो वो नाचती हम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे वहां शहर में ना दादा बहुत बड़े सौकार को कहते हैं, कहने लगे अब तू ही सौकार बन जाएगा और वो दिन दूर नहीं है। और अगर वो कहता है तुम्हारे चेहरे पे नाक नहीं है या तुम्हारा सिर पर सींग है तो क्या तुम मान लेते? अरे वो बात नहीं है। बस करो लाला, तुम्हारी तो मट्टी मार गई है। अरे उसने कहा नहीं और तुम अपने आप को साहूकार समझ बैठे। लाला इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखा कर जिनके टूटने का खतरा हमेशा बना रहे। जितना कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें शुक्र अदा कर। अरे फिर नहीं समझी, पूरी बात तो सुनी नहीं तूने। सब समझती हूँ, अब इतनी भी बेवकूफ तो नहीं हूँ। अरे फिर नहीं समझी। अच्छा तो समझा दे। पंडित की जमीन है ना, वो जिसमें मैं काश करता हूँ, लाजी वो जमीन बेच रही है। जमीन बेच देंगे और क्या करेंगे? अरे नहीं, लाची वो जमीन मुझे नहीं बेचना चाहते हैं। तुम इतने पैसे कहां से लाओगे? वो कह रहे थे बीवी के कहने के लिए, फिर जो रकम रह जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता दे देना। लाला लाला तो कितना सादा है। अरे वो जमींदार है, उसकी बीवी के पास सोने के गहने होंगे। मैं खरीद किसान की बीवी हूँ, मेरे थोड़े से चांदी के गहने बेचकर कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें जो तुम पंडितों की जमीन खरीदने निकले हो? लाला मैं हुक्का बनाती हूँ, पियो और भूल जाओ। निविल सोफी। निविल सोफी। आदाब पंडित। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का। भाई बहुत काम हो रहा है। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखो, आओ बैठो। और सुनाओ। बस भाई तुम्हारा ये जीजा कहाँ है? कौन? लाला। हाँ उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, कई दिनों से नजर नहीं आया, बीमार तो नहीं है? अरे मास्टर वो तो खुद एक बीमारी है, जिसे लग जाएगी मार कर ही दम लेगी। ओहो फिर भी है कहा? बस अपनी झोपड़ी बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा है। झोपड़ी? झोपड़ी क्यों बेच रहा है? झोपड़ी बेचकर वहां पंडितों की जमीन खरीद रहा है। पंडितों की जमीन? हाँ। अरे वही जमीन जिसे वो खुद काश्त करता था। हाँ हाँ मैं समझ गया, पर अपनी झोपड़ी बेच के वो खुद रहेगा कहाँ? वही पंडितों की जमीन में, खुले आसमान के नीचे, नहीं तो ससुराल चला जाएगा, पर उनके पास बहुत जगह है। अच्छा चलता हूँ। अरे मास्टर। हाँ जी। ठहरो, मेरा भी काम खत्म हो गया है, मैं भी साथ चलता हूँ। चलो फिर आध बट से होके जाए। हाँ चल। हाँ आजा आजा। सलाम दामोदर पंडित। सलाम, कहो भाई आध बट कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। क्यों भाई दामोदर, आज आपकी छुट्टी है क्या? आज सरकारी छुट्टी। अच्छा अच्छा, पता नहीं ये लाला कहाँ मर गया, कई दिन उसे देखा नहीं उसको। वो तो बैठा होगा अपनी बीवी के बगल में। वैसे बहुत प्यार करता है वो अपनी बीवी से। अरे वो तो चैन से सांस भी नहीं ले सकता है उसके बगैर। हाँ अगर उसकी बीवी जब झाड़ देती है ना, तो फिर दिल हिलाता हुआ आता हमारे पास यहाँ। लाला की किस्मत अच्छी है जो रहती जैसी बीवी मिली है। इतनी अच्छी बीवी हो तो कोई प्यार क्यों ना करे। लो आ गया जोरू का गुलाम। ये तुम लोग बैठे हुए किसकी खिलाफ साबित कर रहे हो? तुम्हारी बात हो रही थी लाला।
तो फिर जरूर ये नगर सुखी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा होगा। कर लो, कर लो बात। आते आते ही पड़ गया मेरे गले। लाला तुम अपनी बीवी के पास बैठे बैठे तंग नहीं आती क्या? छोड़ना यार। अरे जादू तो तूने भी मुझ पर कर रखा है। दो दिन तुझे ना देखूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। क्यों नहीं, आखिर साला है तेरा। हाँ। वो क्या कहते हैं ना, खुदा की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अरे तू अपना जिगर जला। आगे चल। ले जला जिगर अपना। ये लाला क्या ये सच है, तू अपना मकान बेचकर पंतों की जमीन खरीद रहा है? हाँ क्यों? देखो इसमें कोई जल्दबाजी मत करना। सुनने में आया है ये जमीन यूं भी तुम्हारी हो जाएगी अगर एक्वेरियम रिफॉर्म एक्ट पास हो गया तो। वो क्या है भाई, कुछ हमें भी तो बताओ। इस एक्ट के तहत जमीन जमींदारों से छिन जाएगी और जो काश्तकार उस पर काश्त कर रहे हैं ना वो जमीन के मालिक कहलाएंगे। लेकिन भाई ये सब कैसे मुमकिन होगा भाई? सब कुछ होगा ये एक्ट पास हो जाए तो। अरे रहने दे मास्टर, रहने दे। तेरा क्या मतलब है, ये जमींदार अपनी चकदारियां यूं ही छोड़ देंगे क्या? उन्हें जमीन छोड़नी होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक्ट पास हो चुका होगा तभी नाथ जी को जमीन छीनने से पहले बेचने का ख्याल सूझा है। हाँ मतलब ये है कि वो भागते चोर की लंगोटे पकड़ना चाहता है। हाँ छल से पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा है। ए मास्टर तू भी तो पंडित है रे, कहीं तू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रहा? हाँ लाला मैं पंडित हूँ लेकिन जमींदार नहीं हूँ, अरे आम इंसान हूँ तुम लोगों की तरह। वैसे लाला ये जमींदार लोग चाहे पंडित हो चाहे मुसलमान सब एक जैसे होते हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। हाँ सुनो भाई ये जमीन किसकी है? ये आप क्यों पूछ रहे? यूं ही पूछ लिया तो इसमें हर्जी क्या है? यूं ही पूछ लिया तो समझो कि मेरी। ओ तब तो काम और भी आसान हो गया। क्या मतलब है आपका? ये जमीन सोना उगलती है सोना, और मैं वो सोना खरीद लेना चाहता हूँ। ये बंजर जमीन सोना उगलती है और ये घास फूस आपको सोना नजर आता है? ये घास फूस ही तो सोना है। तो कैसे? ये देखो सोने के भाव दिखते हैं। समझते थे लाला पैसा लेके नहीं आएगा? पैसा लाया हूं मगर नाथ जी मैं आपकी वो जमीन नहीं खरीदूंगा जो आप मुझे बेचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जमीन अब यू भी मेरी है। ये तुमसे किसने कहा? नाथ जी मैं गरीब जरूर हूं मगर बेवकूफ नहीं। आपने सोचा होगा लाला गरीब आदमी है, अकल तो होगी नहीं इसके पास। चलो
इसे बेवकूफ बनाकर वो जमीन इसे बेच दो जो चंद दिनों में खुद ब खुद इसकी होने वाली है। जगन्नाथ जी, मेरी खोपड़ी में भी थोड़ा भेजा है। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। वो जमीन तो मुफ्त में मेरी होने ही वाली है। तो फिर ये पैसा क्यों लाए हो? पैसा ना जी, वो जमीन तो नहीं खरीदूंगा, मगर उसके साथ जो बंजर जमीन पड़ी हुई ना बेकार, वो खरीदनी है मैंने। क्या तुम बंजर जमीन खरीदोगे? तुम होश में तो हो? बिल्कुल होश में हो ना जी, बेचोगे वो जमीन मुझे? फिर ना कहना कि पंडित नाथ ने बंजर जमीन बेच दी। सौदा एक दफा हो गया तो हो गया, बाद में फिर नहीं जाना। नहीं, लाला जी जबान का पक्का है। ये लो पैसा गुलाब। पंचायत घर के रेडियो पर नहीं सुना? और मैं पहले से ही कह रहा था कि जमीन जमींदारों से छिन जाएगी और काश्तकारों की हो जाएगी। वो तो हो गई। और क्या होना ही था। अरे लाला, अस्सलाम वालेकुम नवर सुखी। वालेकुम। आदाब मास्टर दामोदर, आदाब। अरे साफ क्यों सुन गया तुम लोगों को? है मास्टर, ये किसकी मोटर थी? है अपना एक दोस्त, वैसे कल को मेरी हो सकती है ये मोटर। क्या बात करते हो लाला, तुम्हारे बाप ने कभी टांगा भी देखा था जो मोटर के ख्वाब ले रहे हैं? मेरे बाप की किस्मत खराब थी, तभी लोग उससे बेगार लेते रहे, लेकिन अब मेरी किस्मत का सितारा चमक रहा है। अब मैं दूसरों से बेगार लूंगा, समझे? देखा देखा कैसी चर्बी चढ़ गई है इसको, दिमाग खराब हो गया इसका। इसी रफ्तार से भागता रहेगा तो किसी दिन ऐसे उल्टे मुंह गिर जाएगा कि उठ नहीं पाएगा। अरे जा मास्टर, चलते हो तुम सब। भगवान बचाए इसे। क्या हो गया लाला को? देखा तू यहाँ बैठी है? मैं समझी तुम खेत पर हो, खाना लेकर आए हो। कहाँ गए थे? अब बस यही काम कर रहा था। कितने शहर से मेरा एक दोस्त आ गया, उसको वो सड़क पर पलटों की जमीन है ना, वो दिखा रहा था। क्यों? वो जमीन अब मैंने ले ली है ना। क्या वो बंजर जमीन? क्या करना है तुम्हें उस जमीन को लेकर? अरे तुम नहीं समझोगी लाला, अब तुम ये कैसी बातें करने लगे हो जो मेरी समझ में ही नहीं आती। तुम कितने बदल गए हो। नहीं लाती जी, मैं पतला नहीं हूं, मैं वही हूं तुम्हारा लाला। बस दिल में कुछ अरमान है, इन्हें चाहता हूं जल्द से जल्द पूरा कर दूं। जल्द से जल्द क्यों? क्योंकि जिंदगी बहुत कम होती है और अरमान बहुत ज्यादा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बस तुम मेरा साथ दो आसमान की बुलंदियों तक। मैं चांद सितारों को छू लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े जागीरदारों की तरह मेरी भी एक बड़ी जागीर हो, जिसमें मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजा के रखूं, जैसे बड़ी बड़ी जागीरदारों की बीवियां रहती हैं। एक बार तो सजा दिया था मुझे, अब कितनी बार मुझे दुल्हन की तरह सजाएगा?
अरे अगर जमींदार बनने का इतना ही शौक है तो पहले मकान की छत तो डलवा दे। अरे नया मकान बनवा दूंगा तुम्हें। बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी रईस का बेटा है। नहीं नाती, मैं किसी रईस का बेटा नहीं बल्कि गरीब किसान का बेटा हूँ। उस किसान का जो दिन भर अपना खून पसीना करने के बाद भी शाम को भूखे पेट सो जाया करता था, जो सत्तू और सिंघाड़े का दलिया खाकर जाड़े की कड़कती रातों में एक पतले से लिफाफे दुबक कर चुटरा करता था। हर रात मैं उसी गरीब किसान का वारिस हूँ, इसीलिए मुझे भी विरासत में गुर्बत ही मिली। लेकिन मैं अपने बच्चों तक वो गुर्बत नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उन्हें विरासत में गरीबी नहीं बल्कि एक जागीर देना चाहता हूँ। बस रहने दे, उनकी किस्मत में जो होगा उन्हें मिल जाएगा। तू अपनी तकदीर से उनकी तकदीर नहीं बदल सकता। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा उनकी तकदीर। यह गुर्बत के थपेड़े मैंने सही है लेकिन अपने बच्चों तक उनकी हवा भी नहीं पहुंचने दूंगा। जानती हो अपने बचपन में मैं कई कई दिन फाके सोया हूं, एक एक लुकने के लिए तड़पा हूं। सर्दी की ठिठुरती रातों में मेरे पास पहनने के लिए खद्दर का एक फिल्म भी नहीं होता था। वो बातें अब नहीं रही। अल्लाह के फजल से अब हमारे पास खाने को भी है, पहनने को भी है। नहीं राती, नहीं, मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। बस तू हिम्मत कर, मेरा साथ दे। बहुत दूर जाना है हमें। देख राती, मेरा साथ देना, मेरा साथ छोड़ के जाना नहीं तो देख तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही टूट कर बिखर जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, जो करना है सो कर, लेकिन पहले खाना तो खा ले, ठंडा हो रहा है। अरे हाथ तो धुला। लाला, लाला, ये दामोदर यही दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अरे कोई शहर से आया होगा और मुझे ढूंढ रहा होगा। नहीं, घबराया आ रहा है, अल्लाह खैर करे। लाला, लाला, क्या बात है? तुम दोनों घर चले आओ। अरे पहले तू संभल के बात कर, हम रहा है। नहीं लाला, तुम घर चले जाओ, घर चले जाओ। बात क्या है? ओ माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? लाला, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। हाय क्या हुआ?